नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल रुद्रा क्लासेज में। तो मित्रों, मैं आज आप लोग के लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का जो पार्ट 4 है प्रैक्टिस सेट का, वो लेकर आया हूँ, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम बीत रहा है, उसमें जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल के तौर पर भी पूछा जा रहा है। तो इसलिए मैं कुछ इसमें न्यूमेरिकल उठाया हूँ आप लोगों को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए, आप लोग को मालूम है सूत्र W इज इक्वल टू होता है F इंटू डी, और आप लोग को दोनों चीज़ दिया है, F भी दिया है, D भी दिया है। यानी F कितना है आपका, 20 न्यूटन है, और D आपका 4 न्यूटन है। यानी इस प्रकार यदि देखें हम, तो 20 में 4 से गुणा कराएंगे तो हमारा उत्तर जो होगा 20 चौका 80। अब बताइए, 80 वाट होगा, न्यूटन होगा, पास्कल होगा, जूल होगा। तो याद रखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यानी राइट उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है, और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर उठाता है और अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम का गणना करना है। देखिए, आप लोग को हम बताए हैं पिछले वीडियो में भी, यदि कोई भी चीज़ जब नीचे से ऊपर उठाई जाती है और सिर्फ उठाने में किया गया कार्य पूछता है, तो इस स्थिति में आपको स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लगाना है। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh, याद रखिएगा। और यही जो mgh है वो किसके बराबर हो जाता है, W के बराबर हो जाता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। m का मान दिया है 15, और h का मान, g का मान 10 होता है, और h का मान दिया है 1। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 150 जूल हमारा कार्य किया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्य होता है यदि, ध्यान से समझिए, कार्य होता है यदि, यहाँ से देखिए, कार्य क्या होता है, बल, घर्षण, ऊर्जा या शक्ति। यानी कार्य क्या होता है, तो कार्य एक प्रकार का ऊर्जा होता है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों का यूनिट एक ही होता है। यानी विकल्प नंबर जो होगा हमारा भी राइट उत्तर होगा, यानी ऊर्जा। कार्य एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, यानी शून्य होगा, उदासीन होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। देखिए, कंडीशन याद रखिए, यदि हम बल इस साइड में लगाते हैं, विस्थापन भी इसी साइड में होता है, तो कार्य क्या होता है, पॉजिटिव। कई बार बताए हैं आप लोग को, बल इस साइड में लगाएं, विस्थापन इस साइड में होगा, या बल इस साइड में लगाएं, विस्थापन इस साइड में होगा। यानी एंगल यदि 90 डिग्री का होगा, तो वहाँ पे जो कार्य होगा हमारा क्या होगा, जीरो होगा। यदि बल से विपरीत दिशा में विस्थापन होता है, यानी बल लगाइए आप इस साइड में, विस्थापन हो रहा है इस साइड में, यदि विपरीत है, यानी 180 डिग्री का एंगल है, तो याद रखिए यहाँ ऋणात्मक कार्य होता है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, याद रखिए कार्य यहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा, यानी कोई कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, यह कार्य सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो हम पीछे बताएं अभी आप लोग को, mgh का सूत्र लगा दीजिए। mgh का सूत्र, जब ऊपर उठाने की बात होती है, तो m का मान 10 दिया है, g का मान 10 दिया है, और h का मान 1.2 है। यानी इसको हल करेंगे तो 120 जूल का जो होगा हमारा कार्य होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य 56 जूल है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या है, 56 जूल है, और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करना है। तो आप लोग को मालूम है कि W इज इक्वल टू होता है F इंटू डी। आपको निकालना है D, तो हम D निकालने के लिए W में F से भाग दे देंगे। ठीक है ना, D निकालना है तो आपको W में F से क्या करना है, भाग देना है। अब W का मान दिया है, कितना दिया है, 56, और बल का मान दिया है 7, घटा देंगे इसको तो कितना आएगा, 8। अब ये 8 क्या है, विस्थापन है, तो किस में आएगा, मीटर में आएगा, याद रखिएगा। इसमें विकल्प देख रहे हैं आपको, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में भी दिया है, क्योंकि राइट उत्तर हमारा 8 आएगा, और 8 किस में आएगा आपका, मीटर में आएगा, क्योंकि विस्थापन की बात हो रही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, और बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापन हो रहा है, तो किया गया कार्य सबसे आसान, 5 10 में 5 से गुणा कराएंगे 50। अब 50 क्या आएगा, 50 न्यूटन 50 जूल, तो याद रखिए 50 जूल होगा, क्योंकि कार्य का मात्र क्या होता है, जूल होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस चीज़ पर निर्भर करता है, ध्यान से समझिए, विस्थापन पर निर्भर करता है, कि बल और विस्थापन के कोण पर, कि प्रयुक्त बल पर, या वस्तु के द्रव्यमान पर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है,
विस्थापन पर निर्भर करता है, कि बल और विस्थापन के कोण पर निर्भर करता है, कि प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। याद रखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, यानी इसको कहना चाहिए किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिए तो निर्भर नहीं करता है पिंड के द्रव्यमान पर, बाकी तीनों चीज़ पर, विस्थापन पर भी निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। याद रखिए यानी विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर और प्रयुक्त बल पर, इन तीनों चीज़ पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ विकल्प चूँकि दिया भी है, नीचे देखिए विकल्प दिया है यहाँ से, तो ए बी सी जो होगा हमारा राइट उत्तर होगा, डी हमारा राइट उत्तर नहीं होगा, क्योंकि तीनों चीज़ पर निर्भर करता है, विकल्प नंबर हमारा डी राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इसमें दिया है आपका 31 नंबर क्वेश्चन कि एफ बराबर जीरो है तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा। यदि बल जीरो है तो कन्फर्म है कि डब्ल्यू का मान कार्य का मान जीरो होगा, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ इंटू डी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर ले जाने में ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य वही सूत्र डब्ल्यू बराबर एम जी एच लगाइए और इसको हल करेंगे तो आएगा यह 1.5 से 10 में गुणा करेंगे 15, 15 में 12 से गुणा करेंगे 180 जूल का कार्य किया जाएगा, राइट उत्तर हमारा हो जाएगा 180 जूल। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु पर 15 न्यूटन का बल कार्य कर रहा, उस वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जा सकता है, किया गया कार्य 25 में 5 से गुणा करिए 25 125 125, क्या हो जाएगा आपका 125 आपका जूल हो जाएगा। याद रखिएगा राइट उत्तर हमारा 125 जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का देता है लेकिन विस्थापित करने में विफल रहता है तो वो कौन सा कार्य करता है। याद रखिए बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है, कि जब विस्थापन हुआ ही नहीं है तो कार्य करेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो इसके द्वारा किया गया कार्य, याद रखिए 12 न्यूटन का बल है और उसका विस्थापन हो रहा है 4, तो किया गया कार्य एफ इंटू डी यानी बढ़चो 48 आपका 48 जूल जो होगा कार्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन में बल और विस्थापन के कोण पर, लागू बल पर। याद रखिए वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, बाकी तीनों पर निर्भर करता है किसी पिंड द्वारा किए गए कार्य। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद।